जो इस नाटक के निर्देशक हैं, जो इस विद्यालय के भूतपूर्व निर्देशक भी रहे डायरेक्टर, सम्माननीय बजाज साहब उपस्थित हैं, जो विस्तृत रूप से अपनी बात रखेंगे। मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि रंगमंडल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक प्रमुख अंग है और इसमें जो हमारे कलाकार होते हैं वो जो नाटक का निर्माण करते हैं तो आम दर्शक तक जो कला प्रेमी है वहां तक कैसे पहुंचे, तो इसके लिए आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसी उद्देश्य के लिए बुक माई शो से, ताकि जो भी लोग, जो कलाकार या कला प्रेमी या जो भी इस तरह के थिएटर फिल्म पसंद करते हैं, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म है बुक माई शो, जो सर्वविदित और सर्वपरिचित है, तो ज्यादा किसी को परेशानी ना हो वहां जाए। जैसे बुक माई शो के पेज पे हम लोग जा रहे हैं तो वहां NHD का शो अपने आप वहां पे प्रदर्शित हो रहा है, वहां से हम लोग बुक कर सकते हैं। तिथि बताई गई, विस्तृत जानकारी और भी आप लोगों को मिलेगी। तो अंधा युग ये नाटक का एक आप लोगों के माध्यम से भी एक विस्तृत सूचना उस पाठकों तक, उस दर्शकों तक जाए, मेरा यही निवेदन है। और पटकथा इत्यादि पे बोलने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ और मेरा विषय भी नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो भी इस तरह के विषय है आप साक्षात बात करेंगे। अभी माननीय बजाज साहब अपनी बात रखेंगे। कितना खर्चा आएगा बताएंगे, बजट के बारे में बताएंगे आप? बजट ऐसे तो यहाँ बड़े बड़े नाटक लगभग 1820 लाख रुपए तक में जाते हैं, लेकिन ये खूबसूरती है कि उससे कम में ही इस नाटक को बजाज साहब के मार्गदर्शन में इस पर किया गया है। बजट का अंतिम बजट जो प्रारंभिक रूप से लिया गया था वो लगभग 17-18 लाख है, लेकिन अभी फाइनल से, क्योंकि पूर्ण खर्चा के बाद ही आएगा, मुझे लगता है कि उससे कम में ही इस बार इसको किया गया है। अब मैं निवेदन करूंगा परम सम्मान से सम्मानित प्रोफेसर रामगोपाल बजाज सर से, सर आप अपनी इस कृति के बारे में प्रेस को बताएं। नमस्कार, जन भागीदारी और जन सूचना के जो संयुक्त है वो आपके पास है। अंधा युग के प्रसंग में बात हो रही है। अंधा युग या अंध युग आपको शायद यूं ही ध्यान दिलाए कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, तो अंधा युग, अंध युग। अब सोचिए कि इसकी शुरुआत कब से हुई और क्या इस युग का अंत होना है, तो ये आप लोगों का चर्चा का, समाचारों का अक्सर विषय रहा होगा कि कलयुग ने रखा प्रथम चरण, यह इस नाटक में एक पंक्ति है। और कलयुग बीता नहीं है, इस विषय को लेकर के भारती जी ने महाभारत की भूमिका से कुछ प्रसंग उठाए हैं और उसको साक्षात किया है। आपकी सूचना के लिए जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रंगमंडल नहीं बना था और हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे 63 में, तो 8 अक्टूबर 63 को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा अलकाजी साहब के निर्देशन में फिरोज शाह कोटला गांव में इस नाटक की पहली प्रस्तुति इधर हुई थी। और उसके महीने भर पहले सत्यदेव दुबे जी ने बम्बई में इसका निर्माण किया। ये तो इतिहास की, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह नाटक बार बार हुआ है। बहुत से नाटक जैसे बार बार होते हैं और अलग अलग ढंगों से हुआ है। स्वयं अलकाजी साहब ने जब निर्देशक थे तो इसको जापानी नौ शैली में भी पुराने कला में किया।
सबसे पहले फिरोज शाह कोटला में किया था, बाद में तालकटोरा गार्डन फिल्म में किया था जिसमें मैंने विदुर की भूमिका की थी, और उसके बाद पुराना किला में, पुराना किला में भी दो तरह से किया था, इलाम के रहना ने किया था। हमने 92 में खुले में यहाँ ये जो मैदान है भावपुर हाउस का, इसमें चारों ओर दर्शक बैठा करके किया था। फिर हमने इसको 2002 या 2003 में तेलुगु में किया था, फिर हमने इसको 2006 में कसमिया में किया था सीगल रंगमंच के साथ, और बहुत सारे लोग करते रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस नाटक को समाप्त हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पा रहा है, और यही मानवीय संकट का विषय है कि जब तक मानवीय संकट नहीं समाप्त होगा, सभ्यता का अंधापन नहीं समाप्त होगा, राजनेताओं का या राज कार्यकर्ताओं का, तब तक ये नाटक जारी रहेगा और ये चुनौती बना रहेगा। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। तो विवेक की हार, राष्ट्रीय की हार, जो कुछ सुंदर था, जो कुछ भी शुभ था, कोमलतम था, वह बीत गया। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, अधिकारों का अंधापन, ममता का अंधापन, ये सारी पंक्तियां अंधायुग से हैं। और अंत में एक स्थान पर कृष्ण को जब गांधारी का शाप मिलता है और वो गांधारी का शाप स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि माता प्रभु होंगे अपराध पर, पुत्र हूं तुम्हारा, शाप यह स्वीकार है, गांधारी रोती है। और अंत में एक रहस्यमय है हमारे हमारी माइथोलॉजी में, जो कि एक दृष्टि से देखें तो हमें नई तरह से बार बार तलाशना होगा कि क्या मूल्य थे जिसको लेकर रखते हमारी संस्कृति बनी थी। उन मूल्यों की तलाश के लिए ऐसे नाटक होते रहने चाहिए। उसमें पंक्ति का जिससे नाटक सभा की ओर जाता है वह है वृद्ध याचक जो व्याध भी है और जो बुद्धि वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी मृत्यु होती है और उसके द्वारा प्रभु की मृत्यु होती है, और वह भिक्षाटन करता है, वो अंधे राजा की जय बोलता है, जय हो गांधारी की, जय हो धृतराष्ट्र की, और कहता है कि मैं तो ऐसे ही हूँ झूठा भविष्य, मुझे कुछ कुछ बोलना पड़ता है ये जीवन यापन के लिए, हमको या आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता है समाज में जो आपकी आत्मा या हमारी आत्मा गवारा नहीं करती, उसका प्रतिनिधित्व इस नाटक में याचक के द्वारा भी होता है, युत्सुक के द्वारा भी होता है और संजय के द्वारा भी होता है। तो जो दृष्टिमान है, जो विवेकवान है, उसका संकट आज भी बना हुआ है, चाहे वो आपके बीच में हो, चाहे हमारे बीच में हो, या कहीं भी हो और आज के संसार में हो, क्योंकि मानव भविष्य को कैसे बचेगा, इसका इसकी चिंता इस नाटक में है। और जो आज के संसार में कोरोना काल भी एक तरह का देखें तो युद्ध ही था, पता नहीं किसने वो बीज बोया था, आज तक वो रहस्य है। और आज भी संसार पर, धरती पर संकट है, इस संकट की तरफ फिर से अंधारी ध्यान दिलाता है। और साथ साथ में ये भी कहूं कि कला माध्यमों और आपका जो
अपना जरिया है सूचना का, उस पर भी कितने प्रतिबंध हैं, कितना आपको संवारना पड़ता है, कितनी आपकी मजबूरियां हैं, आप अपनी मजबूरियों को देखते हुए अगर इस नाटक को देखेंगे और इसके प्रसंग को समझेंगे तो ज्यादा आप समझ पाएंगे कि आपका जो दर्द है, जो आप कहना चाहते हैं क्या कह पाते हैं, क्या एग्जैक्टली आप जो लिखना चाहते हैं लिख पाते हैं, और उसको वो जगह मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो अंधा युग है, सूचना का अध्यापन, प्रजातंत्र का अध्यापन, राजतंत्र का अध्यापन, धर्मतंत्र का अध्यापन, ये सारा कुछ इसमें समाहित है। मैं नाट्य के विषय में यह बातें हूं, अब मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी इस मंडली में हम जो कर रहे हैं वो कितनी मजबूती से परसों वर्षों आ पाएगा, क्योंकि इस समय हमारी स्थिति ये सब बोलने की तो है, लेकिन प्रस्तुति के बारे में आप हमसे पूछेंगे तो मुझे हमको काम का हुई कब, क्योंकि अभिनेता लोग हैं, दर्शक लोग आएंगे, कहीं कोई गलती होगी नहीं होगी, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये दर्शक और अभिनेता मंडली के बीच में जो होगा सो होगा, क्योंकि अब हम लोग उस अवस्था में नहीं है कि एग्जैक्टली ये कह सकें कि हाँ इस महान कृति को हम वापस उतनी ही मजबूती से रख पाएंगे, जो होगा वो उतना ही सार्थक हो पाएगा, क्योंकि वैसे तो सामान्य किसी भी प्रदर्शन के बारे में ऐसा कहना चाहिए, लेकिन ये एक विशेष ऐसी कृति है जिसके सामने हम सब, और मैं अपने आप को बहुत मौना पाता हूँ, अंधर युग एक महाकाव्य है, और आपको अपने पास समय है तो जी, ये साधारण बात नहीं है कि 1998 में जब मैं निर्देशक था, गिरीश कर्नाड जी दीक्षांत भाषण देने के लिए आए थे, स्वयं बड़े नाटककार, शायद अकेले नाटककार हैं जो सिर्फ नाटककार होते हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था, बाकी साहित्यकारों को जो कि उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, कथाकार भी हैं, कवि भी हैं, ऐसे लोगों को मिला, लेकिन मात्र नाटक को लेकर के ज्ञानपीठ पुरस्कार अकेले साहित्यकार गिरीश कर्नाड, उनको कुछ कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी, क्योंकि दीक्षांत भाषण से उन्होंने ये कहा हुआ है और आपके रिकॉर्ड में होगा, आप तलाश लीजिएगा निर्देशक महोदय, कि अंधा योग शूद्र के माटी की गाड़ी आदि नाटक के बाद हिंदुस्तान में अकेला नाटक लिखा गया है बाकी सारी नाटिकाएं। मैं लगभग इस विचार का हूं, लेकिन मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के मुख्य धारा और कुछ और है उनका लाल कमेर रेड ऑलैंडर, उसको महत्वपूर्ण मानता हूं, और उसके बाद अगे का उत्तर प्रियदर्शी जिसको जब पता थे हमने किया तो सारे संसार में वो प्रतिमान बन गया, और वो भी किस समस्या को लेकर के, पाप पुण्य और घोर और उन्हें एक ऐसी कथा को लेकर के है जो पूरे संसार में बोल है कि एक विजेता सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद रुधिर देख करके तलवार को छोड़ता है और अहिंसा को धारण, ऐसा उदाहरण संसार में इतिहास में कम मिलेगा क्या, शायद नहीं, मैं इतिहास का अधिकारी तो नहीं हूं, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो आत्मज्ञानी बोध है, वह जो नरक है, नरक की समस्या है उनके मन में, वह है उत्तर प्रियदर्शी,
एक इस तरह का बोध भारतीय चिंताधारा, भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन का है। और ऋग्वेद की पंक्तियां शायद आपको मेरे से प्रश्न ये लोग मांग रहे थे, तो ऋग्वेद की 7 मंडल है, वशिष्ठ का वचन है, जिसका अर्थ होता है कि वहां बहुत सारे लोग अपने अपने झंडे लेकर एकत्र हो रहे हैं। अपने अपने झंडे लेकर के एकत्र होने का मतलब क्या होता है? अपने अपने मतवाद, अपना अपना या तो विशिष्ट तरह का विचार है, उसको लेकर के एकत्र हो रहे हैं। भयंते भुवन वो शब्द से याद रह गया है, भयंते भुवन, कि अपने अपने विचारों और अपने अपने झंडों को लेकर के जब लोग इकट्ठा होंगे तो क्या होगा? युद्ध होगा, भयंकर होगा। हे इंद्र, हे वरुण, इनसे कह दो, धरती कांप रही है, सारा संसार कांप रहा है, अपने अपने झंडे लेकर लौट जाए। ये ऋग्वेद का वचन है। तो यह चिंता कि हम अपने अपने मत तो रखें, अपने अपने मत, अपनी समझ तो रखें, लेकिन उसको लेकर के यदि हम युद्धरत हो जाएंगे, दूसरे कारण हो सकते हैं, देश के, प्रांत के, जिसके लिए आपको कभी युद्ध करना पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता यदि नहीं होगी तो क्या होगा? और विचारों के लिए यदि युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? इसकी चर्चा ऋग्वेद के ऋषि मुनियों ने की है और हमारे साहित्य में साहित्यकारों ने की है, जिसमें से धर्मवीर भारती का अध्याय एक है, जिसके प्रति मैं प्रणत हूँ। और सारे निर्देशकों का जिन्होंने इस नाटक को किया, मैंने कई बार किया, जो हमारे सहयोगी रहे पढ़ते हैं, और मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय नाटक विद्यालय का कि लगभग 20-22 वर्ष के बाद मैं रंग मंडल में आया हूँ। और तब आया हूँ जब मैं कहीं क्षिप्र हूँ और कहीं विच्छिन्न हूँ, तो थोड़ा सा बोलता हुआ, डरता हुआ, तो इस समय मैं मन से बहुत उद्विग्न हूँ, आविष्ट हूँ और उदग्र हूँ यह देखने के लिए कि इस अवस्था में मैं आया हूँ और मंडली के साथ जो काम होगा, एक महाकृति के साथ हुआ, कैसा होगा? मैं निवेदन करूंगा अपने निदेशक महोदय से इस विषय पर प्रेस को संबोधित करें। मंच पर विराजमान माननीय लोकसभा प्रपल बजाज जी, मेरे साथी हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर ज्वाला प्रसाद, राजेश सिंह हमारे चीफ ऑफ लेबोरेटरी, और आप सभी हमारे मीडिया के साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार करके आज आप यहाँ पर आए और हमारे साथ इस वार्ता प्रेस वार्ता में शामिल हुए। अगस्त में हम लोगों ने एक नाटक की सीरीज की थी आजादी से बिहारी में, आजादी से में, तो उस दौरान मेरा बॉम्बे जाना हुआ और उस समय पहली बार मेरी प्रोफेसर बजाज से बॉम्बे में मीटिंग हुई और मैंने बहुत कुछ उनसे जाना और उस समय मुझे पता लगा कि आप तो काफी दिनों से एनएसडी में आए भी नहीं है, तो मैंने निवेदन किया कि क्यों ना आप एनएसडी आए और हमारे को एक अपनी सौगात दें, और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और आने के लिए समय दिया, और इस तरीके से ये एक महान कृति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। हम वर्ल्ड थिएटर डे मनाने जा रहे हैं। आप अगर देखें पिछले 2 सालों में
लास्ट ईयर और इस साल भी हमारी कोशिश रही है कि जब हम वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट करें तो कोई एक महान कृति, एक क्लासिकल थिएटर जो कि जिसकी की बहुत मान्यता हो और जिसकी बहुत बड़ी भूमिका हो भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, ऐसा कोई नाटक हम वर्ल्ड थिएटर डे पर लेके आए। और मुझे खुशी है कि पिछले साल हमने अभिज्ञान से मुतलम किया था और इस साल हम अंधयोग आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। प्रोफेसर वजाज ने बहुत सही डिस्क्राइब किया कि अगर आज हम अंधयोग की रिलेवेंस की बात करें, क्यों जरूरत है इस तरह के नाटकों की। अगर हम विश्व पटल पर देखें, हर जगह आपको वो कंफ्लिक्ट, वो एक अनिश्चितता, अंधकार, कहीं टेररिज्म के रूप में, कहीं बायलिटरल रिलेशंस के रूप में, कहीं पर भी विश्व में शांति नहीं है। और ये अशांति बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को लेकर है, हमारी उस अविघ्नता को लेकर है कि हम कई बार समझ ही नहीं पाते कि जो वसुदेव कुटुंबकम का द्वारा भारत ने दिया, विश्व को दिया, वो कहीं ना कहीं जो मैसेज देता है, जो सीख देता है, विश्व सीख को कभी ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसी महान कृतियों द्वारा हमें रिमाइंड करने की जरूरत होती है, हमें बार बार याद दिलाना होता है, लोगों को बार बार बताना पड़ता है कि भूतकाल में, पास्ट में जो भी हुआ है उससे हमें सीख लेनी चाहिए, हमें उससे कुछ संदेश लेना चाहिए कि विश्व को शांति की जरूरत है। और वो शांति कभी भी कंफ्लिक्ट से, टेररिज्म से नहीं आ सकती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर वर्ल्ड थिएटर डे पर इसको हम कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ा मैसेज इस दुनिया के लिए भी है, क्योंकि ये विश्व रंगमंच दिवस है कि हमारे भूतकाल से सीखिए और आगे शांति की तरफ पहल करिए। और विश्व की नजर इस समय भारत की तरफ है, भारत की तरफ देख रहा है। और डेफिनेटली जब सितंबर में G20 का जो एक समिट होगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस नाटक का मंचन वहां जरूर हो, उस समय जरूर होगा। हम उसके लिए कोई स्पेशल स्क्रीनिंग उसकी उस समय करें। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो एक महान संस्था है, और वो महान संस्था किस लिए बनी है, कैसे बनी है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ के पूर्व निदेशक और पूर्व छात्र यहाँ पर आपके समक्ष विराजमान है। जब हम वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो अच्छा किया है उसके लिए तो हमें खुश होना ही चाहिए, अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन जो चीजें हमने मिस की हैं उनको कैसे आगे बढ़ाएं, उनको कैसे करें। अभी जो मेरा एक साल का ये एडिशनल चार्ज के तौर पर कार्यकाल रहा है, उसमें एक दो कमियां मुझे बहुत लगी जिनकी तरफ हमें ध्यान आकर्षित करने की बहुत जरूरत है। और इस वर्ल्ड थिएटर डे पर हम लोग उस बात के लिए कहीं ना कहीं कमिट करें कि जो हमारी लोक परंपराएं हैं, जो हमारा रंगमंच गांव में हुआ करता था, उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयासों की जरूरत है। क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि वो रंगमंच हमेशा एक मासेस से कनेक्ट हुआ था, वो एक ऐसी जिसके लिए किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ लोगों को पता होना चाहिए। और उसकी झलक आज भी मिलती है, जब आज भी गांव में रामलीला होती है तो कोई पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ लोगों को पता है कि रामलीला हो रही है, लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं उनको। और रामलीला कोई नई चीज नहीं है, रामलीला हर साल होती है, कोई भी नयापन नहीं है, हर कोई जानता है उस कहानी को, हर कोई जानता है पूरी तरह, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी उसको देखने आता है। वो रंगमंच की असली ताकत है कि किस तरीके से दर्शकों को अपने से कनेक्ट करना। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो रंगमंच कुछ पॉकेट्स में सब संभल के सिमट के रह गया है, कुछ शहरों में छोड़े तो बाकी जगह, अभी हमने जो 10 शहरों में भारतीय भारत रंगमहोत्सव किया, उसमें 6 शहर ऐसे थे जिसमें पहली बार भारत रंगमहोत्सव हुआ।
और वहां लोगों में भूख देखी, लोगों में इच्छा देखी। जब श्रीनगर में हमने भारत महोत्सव का उद्घाटन किया तो पूरा हॉल भरा हुआ था और उसमें से 50% ऑडियंस वुमेन्स थे। और उसके बाद जो उनका मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ, जो लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि नहीं हमें यहाँ पर कोर्स चाहिए, यहाँ पर हमें वर्कशॉप चाहिए, यहाँ पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, हम लोग सीखना चाहते हैं, तो वो शो करता है कि शायद हमें बहुत कुछ करना बाकी है, हमें भारत के बहुत सारे हिस्सों में पहुंचना बाकी है। हर जगह एनएसडी नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो राज्य सरकारों के साथ और जो संस्थाएं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं उनके साथ हम कैसे कोलैबोरेटिव मॉडल में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये जो हमारा वर्ल्ड थिएटर डे, ये भी एक याद दिलाता है कि हम किस तरीके से उन सबसे जुड़ें। और इसमें मेरा पूरा विश्वास है कि ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है, क्योंकि जब हमने कोलैबोरेशन किया तो उन संस्थाओं को लगा कि वो भी हिस्सेदार है, वो भी जिम्मेदार है रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए। और इन 10 में से हर जगह ये डिमांड हुई कि हमारे पास एक कोर्स होना चाहिए, हमारे पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऑडिटोरियम होना चाहिए। तो अगर हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रेपर्टरी को लेकर बात करें, एकेडमिक एक्टिविटीज को लेकर बात करें, नो डाउट बहुत बड़ा सफलता का एक बहुत बड़ा पैमाना है जो कि उस पर खरा उतर था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय रंगमंच को जो उसके अपने रूट्स है वहां पहुंचाने के लिए जिस तरह के प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नहीं हुए। तो हमें ये जो आने वाले साल हैं, जो वर्ल्ड थिएटर डे है, हमें उस चीज के लिए कोशिश करनी चाहिए कि, और ये कोशिश तभी सफल हो सकती है जब हमारे बीच हमारे साथ ऐसे महान निदेशक निर्देशक हैं और वो साथ में हमें आगे उत्साह वर्धन करें। हम थोड़े लालची, हमने बजाज साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें एक नहीं कम से कम दो नाटक आपसे चाहिए, और उन्होंने हमारा निवेदन से स्वीकार कर किया। तो अभी इसके बाद आपको एक कृति और देखने को मिलेगी जल्दी ही अपने, जो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत उसको पसंद करेंगे। और इस वर्ल्ड थिएटर डे पर अभी एक और भी हमारी उपलब्धि है जो कि जल्दी ही आप सब लोगों के सामने हम लाएंगे, कोशिश करेंगे उसका लॉन्च 27 को हो या फिर किसी और दिन, हम कुछ गेस्ट की समय की प्रतीक्षा में हैं। हमारे ही अपने कुलीग अमिताभ श्रीवास्तव जी ने एनएसडी के ऊपर एक पुस्तक की रचना की है, पूरी एनएसडी की हिस्ट्री, रंगमंच की हिस्ट्री को उसमें रिकॉर्ड किया है, और वो भी एक पब्लिकेशन हमारे बीच आ चुका है, हम जल्दी उसका भी एक जल्द लोकार्पण करेंगे, तो वो भी हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारे अलुमनाई से, जितने भी हमारे अभी मैंने एक अलुमनाई से स्पेशली रिक्वेस्ट की है, एक पुस्तक ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें हमारे जितने भी महान स्टूडेंट रहे हैं, हमारे जो निदेशक रहे हैं, हमारे जो भी थिएटर आर्टिस्ट यहाँ से निकले हैं, उनकी कुछ झलकियां उस तरह की मिले। और खासकर जो हमारा अलुमनाई है वो आज की डेट में थिएटर को कैसे देखता है या किस तरीके से उससे जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि एक भारतीय रंगमंच की एक शुरुआत ऐसी हो जो कि और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की हमारा एक सबसे बड़ा जो स्ट्रांग पॉइंट है वो है 1200 एलुमनाई जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, और जहां भी उनसे हम मिलते हैं वो बहुत दे आर वेरी ईगर, उनके अंदर हंगर है कुछ करने का, और शायद ये बहुत बड़ी बात है, उस हंगर को हमें पूरा करना चाहिए। उनको अभी मैं त्रिपुरा में था 2 दिन पहले और वहां एलुमनाई से मिला, तो उनकी वही शिकायत है कि हमारे को जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिस तरह की हमें और फैसिलिटी चाहिए रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए, वो कहीं नहीं मिल रही है। और उसके लिए मैं सीधा आपको बताऊं कि एनएसडी के अकेले बस की बात वो नहीं है, वो खाली केंद्रीय सरकार की बस की बात भी नहीं है, वो तो सभी राज्य सरकारों और सभी संस्थाओं को आगे बढ़ के मिलना पड़ेगा। और इस कोशिश के लिए हमें जरूरी है कि वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं, अब जैसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिनको गेस्ट के तौर पर मैंने बुलाया, तो मैंने कहा आपके पास परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट
आर्ट डिपार्टमेंट है, म्यूजिक डिपार्टमेंट है, हमारा टीआई सेंटर है, क्यों ना हम लोग मिलके काम करें। आपके पास ऑडिटोरियम है, आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज है जो हमारे लिए क्रिएट करने के लिए हमें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन आपका ऑडिटोरियम पूरे साल खाली पड़ा रहता है, हम क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। तो ऐसे बहुत सारे कहीं ना कहीं, और ही वॉज वेरी हैप्पी, ये मैं कम से कम 5-6 वाइस चांसलर से मिला कि हम कैसे हम उन संस्थाओं को जोड़े जिनके पास सहूलियत है, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में हो, रांची यूनिवर्सिटी हो। इन सबसे जो मेरी बात हुई देवर वेरी ईगर कि हम तो हम वो सोचते हैं कि उनके लिए एक सौभाग्य की बात है कि एनएसडी उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा। तो ऐसे बहुत सारे हिडन एरियाज हैं जिनको हम नहीं उठाए। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड थिएटर के उपलक्ष्य में हम लोग जो बात कर रहे हैं या जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको कि ये जो पूरा हमारा प्लान है या जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच है, ऐसी शुरुआत है हमारी पूरी टीम की कि एनएसडी और कितना बेहतर और कितना ज्यादा और कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है भारतीय रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए। और आज के जो जो हमारा अंदा है उसके बारे में तो डेफिनेटली दया साहब है आपको पूरी जानकारी देने के लिए। आप सभी का स्वागत है, आप आइए और इसको देखिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि ये नाटक हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे रिपोर्टरी चीफ ने बताया कि शायद वो सीटें काफी सारी बुक हो चुकी हैं, तो एक और शो करने के लिए उन्होंने और वे भी है, वे भी है अनदर एडिशनल शो ऑल्सो कंपनी में, वो हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम करें। और बाकी तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहें तो आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई क्लैरिफिकेशन है, हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। प्लस ये सभी सम्मानित लोगों से निवेदन है कि आपकी यदि कोई और जिज्ञासा है तो आप हमारे डेस्क पर उपस्थित सभी सज्जनों से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सर अभी अंधेरे की क्या बात कर रहे थे, तो लग रहा है अंधेरा तो हमेशा रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। जिस तरह से हम व्यक्ति की को देख रहे हैं तो कहीं शांति की उम्मीद तो लग नहीं रही आने वाले टाइम पे, तो ये नाटक तो आगे भी सार्थक ही रहेगा लगता है। सर मैं जानना चाह रही थी बजाज सर से कि आपने जब आप यहाँ थे तब भी आप स्टूडेंट के साथ काम करते थे, आपने कई जनरेशन मेरे ख्याल से देख लिया है उनके साथ काम करके, और एक लंबे टाइम के बाद अब आप दोबारा से एनएसजी के स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो जो आज का युवा एनएसजी में है जो थिएटर को का कोर्स कर रहा है, उनके साथ काम करके आपको किस तरह का अनुभव रहा, और क्या कोई अंतर पाते हैं जब आपके स्टूडेंट थे यहाँ एनएसजी में और आज जो स्टूडेंट हैं उनमें? देश का है और समाज का है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने और केंद्र को खोले हैं प्रशिक्षण के लिए, लेकिन रंगमंडलियां नहीं और बढ़ी हैं। रंगमंडल में वही जो 20 कलाकार थे आज तक 20 ही हैं, जबकि ऑफिस हमारा जो मुश्किल से 10-20 का था वो 100 से ज्यादा का हो गया है। तो ये बढ़ोतरी इसमें विचार होने चाहिए और की ओर से सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, जैसे आपने कहा कि राज्य सरकारों का, स्थानीय सरकारों का या कि म्युनिसिपैलिटीज का, जिला अधिकारियों का दायित्व बनता है
है कि यहाँ से या ऐसी जगहों से शिक्षा लेकर के कुछ लोग अगर समाज में लौटना चाहें काम करने के लिए, तो उनके पास जगह नहीं है, उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। हम लोगों के समय में या तो थिएटर था, या डायरेक्टली सिनेमा था, या ज्यादा से ज्यादा आकाशवाणी था। इस वक्त तो टेलीविजन भी नहीं था, तिब्बत तक टेलीविजन भी हमारे पास होने के बाद शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने भाग लेना शुरू किया। तो आज की स्थिति में रंगमंच की भूमिका, बाल रंगमंच की भूमिका और प्रशिक्षण, ये प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, और वहाँ यहाँ से निकले हुए लोग जा सकें, पढ़ा सकें। आप नाच पढ़ा नाच सिखाने के लिए जा सकते हैं, आप बाकी कुछ सिखाने के लिए प्राइमरी स्कूल में भी जा सकते हैं, लेकिन अभिनय सिखाने के लिए हमें कोई जगह नहीं है। उसके लिए अभिनेता के लिए सिवाय राजनीति में अभिनय करने, समाज में अभिनय करने के अलावा कोई प्रोफेशनल जगह नहीं है। या तो सिनेमा में जाइए, टेलीविजन में जाइए, और या इनका अभिनय देखिए। तो इस ओर की चिंता मेरे ख्याल से आपसे इसके बारे में पहले भी एक आधी बार बात हो चुकी है। मैं आने वाली पीढ़ी को अपने पितामहों के रूप में देखता हूँ, क्योंकि वे हमसे ज्यादा डेवलप्ड जेनेटिक स्टेज के प्रोडक्ट हैं। हम अगर 70 साल पहले पैदा हुए थे, मैं 83 ईयर्स के पहले पैदा, तो ये 83 इयर्स के बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका जेनेटिक डेवलपमेंट मेरे से तो ज्यादा है ना। तो हम कहते तो हैं कि वो हमारा यंगर है, नो ही इज एल्डर, क्योंकि जेनेटिक एवोल्यूशन इज हायर है, एंड उसको हम हायर स्कोप नहीं दे रहे हैं। ये चिंता का विषय होना चाहिए जो भी लोग, जो भी संस्थाएं चला रहे हैं, समाज की, शिक्षा संस्थाओं की या राजनीति। और उस ओर मेरी शिकायत है कि प्रेस के लोग ये प्रश्न नहीं उठाते। आप अच्छी भली हेडलाइन या तो मुझे दे दीजिएगा, या अंधड़ियों को दे दीजिएगा, या एनएफपी को दे दीजिएगा, लेकिन भावी संस्कृति के लिए और समाज को और संवेदनशील बनाने के लिए जो पीढ़ियां आ रही हैं, उनके प्रशिक्षण और उनकी संस्कार भूमि तैयार कौन प्रश्न कर रहा है और कौन उद्यत है, ये जरूरी है। मैं आने वाली पीढ़ी को अपने से बेहतर ज्यादा संवेदनशील पा रहा हूँ और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी पा रहा हूँ, क्योंकि उनको हमसे ज्यादा जगहों की जरूरत है। सर, दो छोटे-छोटे सवाल और भी हैं, जैसे आपके लो, है? कुछ लोग और हैं, इसके बाद आपकी बारी आएगी। ये जो आप नाटक कर रहे हैं, क्या इसके पीछे यूक्रेन युद्ध और रूस युद्ध की छाया कोई ऐसा दिखाएंगे कोई, कि अभी भी वर्तमान समय में जो इस अंधायुग के बारे में बात कर रहे हैं, अभी भी विश्व में एक साल से युद्ध चल रहा है, उसकी कोई संकेत या कोई ध्वनि को रिलेट करने के लिए इस वर्तमान समय को, ऐसा कुछ होगा कि दर्शकों को ये संदेश जाए कि देखिये वो तो अंधायुग था, अभी भी अंधायुग चल रहा है। ये अंधायुग या इस तरह की कोई भी जो कालजयी रचना होती है, उसमें शाश्वत मूल्य और जो मानवीयता पर या कि जीवन के विकास क्रम पर जो संकट होता है प्रतिध्वनित होता है। उसके लिए अलग से कोई संकेत नाटक को बदलने की जरूरत नहीं, तो फिर कोई दूसरा नाटक भी और भी नहीं। आप लोग इम्प्रोवाइज करते हैं नाटक को, इसलिए मैंने कहा। आप देखिए यहाँ अंधायुग का पोस्टर है, आपको इसमें कुछ दिखता है? एक पंछी दिखता है, टैंक दिखता है, वो जो टूटती हुई बिल्डिंगें हैं वो दिखती हैं, जबकि वैसे तो युग तो ये महाभारत का, महाभारत से लेकर के आज का है। तो जब ब्रह्मास्त्र कहते हैं, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना और न्यूक्लियर छोड़ना तो मैं कोई मूल्य है नहीं। तो ये नाटककार को या कि जो भी निर्देशक अभिनेता है, उसको सिर्फ उसकी संवेदनशीलता को उभारने की जरूरत है, बाकी तो काम जो सहृदय समाज वहां आता है वह जोड़ देता है उसकी
ध्यान अपने अपने संवेदना अपने अपने सोच के साथ, उसको हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बुलाने के लिए जरूर, तो चूंकि एक पोस्टर बनाया मेरे से कुछ दुनिया में हो रहा है उसमें जो आयुध मतलब जो अस्त्र मनुष्य ने तैयार किए हैं वो भी नजर आता है। आज के 2 साल पहले करता तो शायद मैं वो मास्क पहने हुए सारे जो इंसान थे तो सब के सब सुअर हो गए थे। कठोर होता है ना, हम सब के सब वो काले उजले मास्क लगा करके घूम रहे थे ना अपने बचाव के लिए। ये उसकी समसामयिकता है। नाटक से कोई दृश्य को मैं फिल्म होती तो उसके कुछ टुकड़े या कुछ हम कह सकता था। इतने शो हुए हैं अंधायु के, तो आपके सामने इस अंधायु को करने के लिए कौन से अंधायु का चुनौती आपके सामने रही हो कि इतने लोगों ने किया तो मैं इस नाटक करने में सामने क्या चुनौती है? ये एक बहुत चैलेंज प्रश्न रही है इसलिए कि कला में किसी को भी अंतिम रूप देना कि ये बेस्ट है गलत होगा, क्योंकि अपने अपने रूप में वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो खुद अलकाजी साहब ने किया जिसमें मैं छात्र के रूप में मैंने भाग लिया था, हम पर इसका प्रभाव है, लेकिन ओम शुक्री का स्वर मैं नहीं भूल पाता। ओम शुक्री की आवाज से ज्यादा संवेदनशील आवाज मैंने अब तक नहीं सुनी और मैं अब तक उसके लिए झकड़ाता हूँ। लेकिन दूसरी ओर स्वयं अलकाजी साहब के हम छात्र हैं और उन्होंने हमें बनाया संस्कार दिए, लेकिन मैं ये कहूं कि जब मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्रों के साथ 1992 में यहाँ बबलपुर हाउस का जो ओपन एयर है वहां चारों तरफ दर्शक बैठे और उसके बीच में नाटक हुआ, कोई सेट नहीं था, तो उस प्रस्तुति को प्रस्तुति के अप्रोच के बहाने मैं अपने सबसे धनी अनुभव के तौर पर मानता हूँ और उसमें कारण जी ने म्यूजिक किया था वह अनुभव सर्वोत्कृष्ट था। और दूसरा जो सत्यदेव दुबे ने सबसे पहले अनुवाद किया था उनका नाटक मैंने देखा था, उन्होंने सारे अलंकरण छोड़ करके सामान्य धोती जो जैसे गांव में धोती पहनता है धोती और कुर्ती या कि जैकेट या बनियान टाइप इस तरह से अभिनेताओं के उतारा था, तो सारा डिजाइन खत्म कर दिया, सिर्फ अंधायु था। और मैं ये मानता हूं कि जब हम अंधायु का पाठ करते हैं और आप सामने होते हैं तो वह अंधायु की सबसे अच्छी प्रस्तुति है, क्योंकि शब्द है, अर्थ है और अर्थ ग्रहण वाले करने वाले संवेदनशील व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं, तो उससे बेहतर रचना तो कहीं नहीं। मैं सारी कलाओं से महत्वपूर्ण मानता हूँ वाचन की कला, इसलिए मैंने श्रुति कार्यक्रम का आरंभ किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में और उसमें मैंने आने वाले डायरेक्टर अंकुर जी वगैरह को कहा था कि इसमें प्रस्तुति वगैरह नहीं होनी चाहिए, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके पास मस्तिष्क है, कल्पना है, स्मृतियाँ हैं और शब्द से वह सब कुछ क्रिएट हो जाएगा, बाकी सब कुछ बाहर होगा, तो उससे बेहतर तो क्या होता। तो जैसे मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाऊं कबीर जी की, ये प्रेम कविता है, तुम्हारी पलकों का कपना, तुम्हारी पलकों का कपना मानो देखा तुम्हें किसी कली के
खेलने का सपना, तुम्हारी पलकों का कमाल है मेरा भी इश्क, तुम्हारे उस सपने का कण होना, उतना क्षण को दौड़ना, बाकी सारा समय बराया है केवल उतना क्षण होना है तुम्हारी पलकों का कमाल। यह कविता जिसमें मात्र की वस्तु एक साहित्य है या कि रसखान, रसखान की कविता से आप लीजिए तो जो हमारे यहाँ साहित्य में, चाहे वैदिक साहित्य में या भारत के साहित्य में, जहाँ हम शब्द और सिद्धांत पर गए हैं, वह जब प्रधान हो जाता है तो वो आदमी की बड़ी अचीवमेंट है। बाकी तो दृश्य विधान की रंगमंच पर आप दूसरी तरह की भूमिका होगी, क्योंकि दृश्य विधान सिनेमा, टेलीविजन, कंप्यूटर ग्राफिक इफेक्ट्स में इतने ले लिए हैं कि आप उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। आज की जरूरत क्या है कि हम और आप सामने बैठ करके बात कर सकें और सोच सकें। अगर दृश्य विधान यदि प्रमुख हो जाएगा तो आपका सोच रुक जाएगा, हमारा सोच रुक जाएगा और हमें रंगमंच में इस नई विधा पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, जहाँ दृश्य तत्व से अधिक ध्वनि तत्व हों और ध्वनि तत्व से अधिक अर्थ तत्व हों और ऐसे लोग हों जो अर्थ को ग्रहण करें और चित्र उनके मानस में प्रवेश हों, इन चित्रों से लोग हम आपको इन चित्रों में यदि बांध लें तो हम आपके साथ ज़ाती कर रहे हैं, ये धोखा नहीं। मुझे आशा है कि मैं इस मामले में कुछ अपने साथियों से दो चारों में से हूँ, ज्यादातर लोग बहुत ही विजुअल लैंग्वेज में कहा भी है नाट्य संस्कृत में चक्षुष यज्ञ है रंगमंच, लेकिन किसी समय था, आज ये चाक्षुष यज्ञ भर नहीं है, ये विचार की जगह है, ये कल्पना करने की जगह है, स्मृतियां करने की जगह है, चिंतन करने की जगह है। आपके चिंतन को यदि हमारा दृश्य बंद डिजाइन वगैरह बांध ले, खत्म कर ले, जैसे सिनेमा ज्यादातर करता है, तो फिर तो हम मनुष्यता के विकास के साथ व्याप्ति कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सर, नमस्कार सर, आपने बताया अबाउट 63 में अलकाजी साहब के साथ यू वर स्टूडेंट एंड लेटर ऑन आपने विदुर का रोल परफॉर्म करा, विदुर अंधा युग में, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर। इस वाले में कौन सा रोल ही भाग So what is the message Vidur, मतलब आपको उस टाइम में और अब क्या मैसेज Vidur gives to the society? Vidur कहता कि सारे पहिए एक एक कर कराए जिस धुनी से वह निकम्मी धुनी, क्या तुम हो, क्या तुम हो प्रभु, यह डायलॉग है Vidur। तो ये एक इस समय का प्रश्न है ना, कि यदि अल्लाह खुदा ईश्वर ब्रह्म यदि है और उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, तो इतना अन्याय, इतना दुर्धर्ष, इतनी हिंसा, बलात्कार कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसका कारण क्या है। ये सारे प्रश्न
अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी महान रचना समाज का साक्षात्कार करती है, आप बोलते हैं, आप चिंतन करते हैं, और हमारे जितने ज्यादातर माध्यम हैं आप चिंतन से दूर ले जा रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बड़े बड़े इवेंट्स हों, आप समाज के नए वर्ग को, नए नए बालक बालिकाओं को चिंतन के अवसर, चिंतन की जो चिंता है उससे भटका रहे हैं, उनको चिंतित नहीं होने देना चाहते। आप इतना मनोरंजन ना दे दीजिए कि हम आने वाले घंटे को ना देख सकें, और आप चाहते हैं जिनके हाथों में सत्ताएं होती हैं, चाहे कोई भी हो, कि आने वाले घंटे को इतने ना देखें। और साहित्य देखता है, दिखाता है, और इसलिए आज तक भारतीय साहित्य में कोई भी इस योग्य नहीं पाया गया जिसको भारत रत्न दिया जाता है। सर मेरे समाज, मैं अभिनव उपाध्याय हूँ हिंदुस्तान अखबार से। मैंने रिहर्सल देखा और वो बहुत प्रभावी, बहुत रोमांचकारी है। जो मुझे मैंने देखा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आने वाले समय की दर्शकों को बहुत जल्दी आत्मसात कर लेंगे। लेकिन जब ये बड़े बड़े स्टेज पे हुआ है तो आपने, मैंने देखा आपने साहित्य लिटरेचर पे उसके मूल कंटेंट पे बहुत जोर दिया है, वनस्पत के उसके क्राफ्ट पे, और इसको जैसे आपने कहा कि आप बहावलपुर के बीच में कर चुके हैं, इसको बड़े कैनवस पर भी किया जा सकता है, तो आपने वही क्यों चुना? जाहिर है कि मैं नाटक में जो विचार है, चिंता है, शब्द है, उसको ज्यादा महत्व दे रहा हूँ, और मैं इस भरोसे में हूँ कि यदि जैसे अभी हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हो रही है, ये किसी नाटक से कम है, ये मानस के स्तर पर है। बिल्कुल। तो यदि ये मानस के स्तर पर है और ये जो हमारी आपकी कोई बहस हो जाए, इसमें जो चार लोग एक रस का सृजन करती है, और मेधा को अब तक रसाचार्यों ने रस के क्षेत्र में स्थान नहीं दिया है, तो ये प्रश्न हमें किया हुआ है, और मेधा भाषा के द्वारा आती है, शब्द के द्वारा व्यक्त करती है, और इसलिए वहां पर किसी सेट की जरूरत नहीं है। आपके पास बुद्धि होनी चाहिए और मेरे पास बुद्धि होनी चाहिए, और है तो बुद्धि के स्तर पर हमारा आइडेंटिफिकेशन तादाद में यदि होता है तो वह रस श्रृंगार रस नहीं है, लेकिन काव्य रस के जो क्षेत्र के भूमि लोग हैं वह ये बात मानने में भी संकोच कर रहे हैं। मेरा उनसे द्वंद्व होता रहता है इस बात को। एक छोटा सा सवाल डायरेक्टर सर से, मैंने इस बारे में एक ही जने से आश्वासन लिया था, जब कपिला जी थी मैं उनके पास गया था मैडम, क्योंकि हम अबीर जी के भी छात्र रहे हैं, हम उनके भी एक तरह से परोक्ष शिष्य रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तू बिल्कुल ठीक सोच रहा है, इस सोच से हटना। मेरा दूसरा सवाल था डायरेक्टर सर से कि जश्न बचपन और बाल संगम, ये दोनों जो है अभी कई वर्षों से यहाँ पे नहीं हो पाया, तो इसकी क्या तैयारी है? और जैसे अभी बजाज साहब ने चिंता जताई कि वो बच्चे थिएटर से थोड़े से दूर है, तो क्या करें? ये तो अभी चूंकि देखिए कोरोना काल था, बहुत सारी चीजें बीच में, मैं अपडेट करता हूँ प्लीज, शायद कहीं पर आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। इस साल अगर आप हमारी एक्टिविटी देखें, हमने समर में समर वर्कशॉप की, उसके बाद उसमें 600 बच्चे 20 सेंटर्स दिल्ली में रहे और बहुत ही सक्सेसफुल रही। उसके बाद फिर जस्ट संडे क्लब रहा, संडे क्लब के बाद फिर हमने उसका भी एक फेस्टिवल, 5 नाटकों का एक फेस्टिवल संडे क्लब का, जिसका कि एजेंसी में हम लोगों ने जनवरी में किया। और जश्ने बचपन जो मैंने त्रिपुरा का आपको बात कही, मैं वहीं से आया। जश्ने बचपन हमने प्रपोजल्स मंगाए, 50 प्रपोजल आए, उसमें से 5 सेलेक्ट करके जश्न बचपन का ऑर्गेनाइजेशन त्रिपुरा में अभी जस्ट कल ही कंक्लूड हुआ। जी जी, मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूँ, दिल्ली में कब है?
बेसिकली जसने बचपन की जो हमारी सोच है कि वो हर बार दिल्ली में ना करके जगह जगह जाए, इससे कि और जगह भी थे जो चिल्ड्रन थिएटर है वो मजबूत हो। और इस बार त्रिपुरा जाने का पीछे मकसद यही था, क्योंकि दिल्ली में बहुत एक्टिविटीज ऑलरेडी होती हैं, हमें पूरे भारत में पहुंचना है और हर जगह जहां इस तरह की चीजों को सोच को पहुंचाने की। और हमारा जो त्रिपुरा का सेंटर है वो थिएटर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए ही है बेसिकली, और वहां पर आगे भी हमें एक्टिविटीज बढ़ानी है। तो जितने भी हमारी, अगर आप देखें पिछले एक साल में, चाहे वो हमारी रेपुटी कंपनी हो, चाहे थिएटर एजुकेशन प्रोग्राम हो, सभी ने, और कई सारे फेस्टिवल्स हुए नॉर्थ ईस्ट में, इनके विजिट हुए, रेपुटी कंपनी ने पूरा नॉर्थ ईस्ट विजिट किया, उसके साथ साथ टीआई कंपनी ने नॉर्थ ईस्ट में कई सारे शोज किए। तो एक्टिविटीज पूरी हमारी सारी हुई है। नॉर्थ ईस्ट तो फोकस है गवर्नमेंट का, लोकेस्ट पॉलिसी है वो नॉर्थ ईस्ट में आपको जाने, लेकिन नॉर्दर्न यूपी, यूपी बिहार बंगाल नहीं किया। दिल्ली में हमने जो संडे क्लब हमने दिल्ली में किया, 600 बच्चों के साथ हमने वर्कशॉप दिल्ली में ही किया। ये सारी दिल्ली की एक्टिविटीज है जो मैं आपको बच्चों की बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ हमारे कई सारे जो थिएटर बनाए टीआई ने, उनका भी दिल्ली नहीं, चंडीगढ़ में शो हुआ हमारे, इवन राष्ट्रीय पूर्वोत्तर में हम एक नहीं, इसके अलावा इधर क्या नाम है, वाराणसी में हमारा शो हुआ। वाराणसी में जो हमने ये बीआरएम किया, आजादी सेगमेंट किया, उसमें नाटक हुआ हमारा। तो जितनी भी एक्टिविटीज एनएस, देखिए एक चीज आपको समझने की जरूरत है जो मैं बार बार कहता हूँ, एनएसजी की एक अपनी लिमिटेशन है, पूरे भारत में एनएसजी नहीं कर सकता। एनएसजी के आपको बताओ जो हमारे ये इसकी बात की आपने, कॉस्ट मॉडल जो है हमारे, एक जो हमने वर्कशॉप की 600 बच्चों को लेके, उसकी कॉस्ट आई हमारी 50-60 लाख। अब आप इन मॉडल्स को भी हमें रिलोक करने की जरूरत है और कोलैबोरेशन की भी जरूरत है, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे इतना खर्च करते हैं तो आपके पास लिमिटेड बजट ही होता है ना, आप इसकी 10 वर्कशॉप नहीं कर सकते पूरे भारत में। फीस भी तो बढ़ी है आपने, फीस भी तो बढ़ी है बच्चों की। नहीं फीस वहां उतनी नहीं बढ़ी ना, आप देखिए फीस उतनी नहीं बढ़ी, हमारा जो मॉडल है वो मॉडल ये है कि हर किसी को पार्टिसिपेशन करे। तो और इसके लिए फीस इश्यू नहीं है, इश्यू यह है कि ये समझने की जरूरत है कि पूरे भारत में एनएसजी समर वर्कशॉप नहीं कर सकता पूरे भारत में। इसके लिए वहां के जो स्कूल बोर्ड्स हैं, जो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और यही मैं मॉडल, देखिए हर जगह मैं यही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल क्या। और ये भारतीय रंगमंच को एनएसजी या संस्कृत मंत्रालय की जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो पूरे भारत की जितने भी सरकारें हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं वो राज्य सरकारों को अपनी आगे बात को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नहीं तो ये आप सोचिए कि पूरे भारत में एनएसडी थिएटर वर्कशॉप करके पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आप सभी आश्वस्त हो गए होंगे इस केस में। मैं चाहूंगा कि हमारे डिपार्टी चीफ राजीव जी आए और उसके सभी लोगों के साथ डेस्क पर बैठे सभी हमारे टीचिंग को भी धन्यवाद दें। जो सवाल आए थे उनके लिए, एक तो ये महाकाव्य है कृति अपने आप में, तो जो काव्य की जो गुण होते हैं कि पढ़ना और उसे सुनना, तो हमने प्रदर्शन में भी इसी अप्रोच को रखा है जो आप अभी मंच पे देखेंगे। इसमें दृश्य के तौर पे बहुत सारे गिमिक्स और ये जो मॉडर्न अप्रोच है दृश्य को दृश्यांकन करने हैं, तो वो हमने इस प्रदर्शन में उनका इस्तेमाल उतना नहीं रखा है। तो आप एक महाकाव्य को एक महाकाव्य के रूप में ही देख पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। दूसरा जो आपने कहा कि इसमें कुछ ऐड करना है कि आपने कोशिश की है कि नहीं, ये काव्य इतना विस्तारित है, अपने आप में इतना विस्तार लिए हुए है कि आपको कोई छोड़ता नहीं है कि आप इसमें कुछ ऐड करें। ये आप जब देखेंगे तो अपने आप आपको लगेगा कि आप आज के समय के साथ इन शब्दों को आप खुद कैसे जोड़ते चले जा रहे हैं। दूसरा जो है ये कि हमारी अप्रोच ये है कि इस काव्य को सरलता और सजगता के साथ आप लोगों के समक्ष हम रख पाएं। और ये कृति सिर्फ जो एक हम देखते हैं वॉर युद्ध के स्तर पे तो है, ये एक आउटर लेयर है जो युद्ध दिखाता है। ये युद्ध हर स्तर, बेसिकली ये मानव इच्छाओं
मानव भावना और मानव जो महत्वाकांक्षाओं है ये उसका युद्ध है। तो आप जब नाटक देखेंगे तो ये बहुत ही व्यापक भी लगेगा और बहुत ही पर्सनल स्तर पर भी आपको लगेगा कि ये हमारी, तो इसीलिए ये शाश्वत है, सनातन है, टाइमलेस कृति मानी जाती है। ये सिर्फ वॉर जहां पे हो रहा है उससे रिलेटेड नहीं है, अगर वॉर नहीं भी हो रहा है तो मानवीय संवेदनाएं, मानवीय भावनाओं का जो युद्ध हमेशा चलता रहता है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है जो इसको शाश्वत बनाए रखती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं बजाज सर का धन्यवाद तो नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मैं आपका आभार कहूंगा कि आपने हमें ये हमारी जो रिक्वेस्ट थी आपने स्वीकार करी और एक फल के रूप में आप ये हमें कृति प्रदान कर रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को। हम बहुत आभार हैं व्यक्त करते हैं रंगमंडल की तरफ से और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से भी। और जैसा कि निर्देशक महोदय ने भी कहा, हम अभी आपके निर्देशन में एक और कृति आप लोगों के समक्ष ले आएंगे, लैला मजनू। उस कृति के संदर्भ में मैं ये कह दूं कि जो लैला मजनू का एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में बंधा हुआ है कि लैला मजनू क्या है, उससे परे आप कुछ देखने को मिलेगा उस कृति में कि लैला मजनू वास्तव में किस तरह की प्रस्तुति होगी। उसे हम अगले महीने अप्रैल 3rd या 4th week में जो भी जगह और स्थान की उपलब्धता के आधार पर, लेकिन अप्रैल 3rd या 4th week में हम आप लोगों के समक्ष में बजाज सर के ही निर्देशन में आप लोगों के समक्ष ले आएंगे। साथ ही साथ मैं निदेशक महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि ये एक संयोग बना कि आप बंबई में मिले और ये कड़ी बनी कि जिसके स्वरूप आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं उस पल को लेकर के। और मैं उल सचिव और डीआर महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन कार्यों को करने के लिए जो सिर्फ पैसे ही नहीं, एक मनोबल और एक सपोर्ट और एक संसाधन की जो आपको जरूरत होती है वो आप हमेशा प्रोवाइड कर रहे हैं और इस तरह की कृति को रंगमंच के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ में विद्यालय के सभी लोगों का, मैं फेस्टिवल सेल के लोग, विवेक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए। और मैं आमंत्रित करता हूँ प्रीव्यू शो के लिए 25 मार्च को हम 6:30 बजे इसी अभिमंच सभागार में प्रीव्यू शो कर रहे हैं, आप आए। और 26, 27, 28 को पब्लिक शो है, जैसा कि अभी ज्ञात हुआ बुक माई शो से ऑलमोस्ट काफी टिकट्स निकल चुके हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं 3 दिनों में या कोई एडिशनल डे में कोई एक अतिरिक्त शो हम कर पाए ताकि और दर्शकों को देखने का मौका मिले। और साथ ही साथ चूंकि ये रंगमंडल का प्रदर्शन है तो इसे हम पुनः प्रदर्शित करते रहेंगे समय के साथ साथ, आने वाले समय में भी बार बार रिपीट शोज भी होंगे और समर थिएटर, समर भी आने वाला है तो समर थिएटर फेस्टिवल भी हम आप लोगों के समक्ष ले आएंगे और भारत के अलग जगहों में भी यात्रा का प्रदर्शन का संयोग बनता जा रहा है, तो वो भी सूचना आप लोगों को मिलती रहेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।